हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी, वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, उन्नता हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर कोई भी अपडेट है या फिर अन्य भर्तियों को लेकर कोई अपडेट होती है वो सबसे पहले आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाती है ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से। एक बार फिर से आप सभी के बीच आज हूँ, जहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों 30 तारीख में अपडेट जो निकल करके आई। पहली चीज़ तो ये दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी को दे दूँ कि प्राथमिक से NGO बाहर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, NGO से पढ़वाने का आदेश को रद्द कर दिया गया है। कई बार आप सभी के सामने ऐसी कुछ योजना आती रही हैं, एक बार गार्गी योजना आई थी उसको लेकर भी अभी दोस्तों शासन की ओर से मतलब चुप्पी साधी हुई है। हालांकि कुछ मतलब कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर दोस्तों उसको लागू किया गया है, अभी तक दोस्तों वहां से बाहर तो नहीं हुई है, लेकिन एज सून एज पॉसिबल दोस्तों उसका भी यही असर होगा जो NGO का किया गया है। क्योंकि दोस्तों इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कुछ भी नहीं है, मैं इस पर डिटेल में बात करूंगा। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जो है ग्रेजुएशन के बाद NGO में ले लिया जाता है, वो NGO से पढ़वाएंगे। तो दोस्तों जिनने ग्रेजुएशन के बाद TET पास किया है, BEd किया है, BTC किया है, फिर सुपर टेट दिया है, वो घर बैठे हुए हैं और यहाँ पे पढ़वाने की बात NGO से करेंगे तो लागू कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी तरफ अगर बात करूँ कट ऑफ मुद्दे पर दोस्तों, 1 अक्टूबर को महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है, जिसमें मुझे उम्मीद है कि एक साइड का जो सबमिशन है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अनिल तिवारी और माथुर साहब दोस्तों बहस करने वाले हैं इस मैटर को लेकर, और जल्दी से जल्दी जो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का एक साइड का सबमिशन पूरा हो जाने के बाद दोस्तों जो महत्वपूर्ण सुनवाई होगी वो होगी दोस्तों शिक्षा मित्रों की तरफ से, जिनके 4 वकीलों का दोस्तों सबमिशन होना बाकी है। तीसरी अपडेट की तरफ बढ़े तो दोस्तों शिक्षक भर्ती मतलब एडेड माध्यमिक स्कूलों में सभी खाली पदों को नहीं भरेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, सभी खाली पदों को अब नहीं भरा जाएगा। इसको लेकर दोस्तों अपडेट कल भी थी, आज भी आप सभी के सामने अपडेट है। तो चलो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते दोस्तों कट ऑफ को लेकर ही, दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले कई दिनों से दोस्तों जब से आखिरी सुनवाई हुई है तो उसके बाद से दोस्तों लगातार ऑर्डरों का मतलब भरमार लग चुकी है सोशल मीडिया के ऊपर, एक के बाद एक ऑर्डर आ रहा है। पहली चीज़ तो देखो ये है कि मैंने 2 ऑर्डर आप सभी के सामने डिस्क्राइब कर दिए। एक सिंपल चीज़ बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स को लेकर आप सभी परेशान होते हैं। जैसा कि मैंने एक बार आप सभी को बोला था कि ऑर्डर जो जितने भी हैं उन सभी वकीलों के पास हैं, इस बात को लेकर परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि हर एक ऑर्डर को लेकर अगर हम सोशल मीडिया पर लेकर के आएंगे दोस्तों बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप सभी परेशान मत होइए, जो जो दोस्तों बहस होने वाली, 1 अक्टूबर को काफ़ी अच्छी बहस होगी और आपका जो फेवरेट ऑर्डर था रफीक दिन उसके ऊपर ही बहस की जाएगी, MCD न्यू दिल्ली के ऊपर बहस की जाएगी। ऐसे तमाम ऑर्डर हैं जिनके ऊपर दोस्तों बहस की जा रही है लगातार कोर्ट के अंदर, क्योंकि कोर्ट के अंदर दोस्तों आप सभी को बताए 1.5 से 2 घंटे की बहस होती है और हम आप सभी को सारी की सारी अपडेट प्रोवाइड कर देते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पॉइंट टू पॉइंट जो कोर्ट के अंदर चल रहा है वो आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कहने का कुछ पॉइंट वहां से निकाल के आप सभी को दे दी जाते हैं कि भारांग पे चल रहा है, भारांग पे क्या कहा गया। अब भारांग पे और भी बहुत सारे पॉइंट दोस्तों कोर्ट के अंदर कहे जाते हैं, लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो आप सभी को दे दिए जाते हैं। तो इस बात को लेकर काफी लोग परेशान रहते हैं कि ये वाला ऑर्डर लगाया जाए, वो लगाया जाए, तो वो ऑर्डर काफी लगाया जाए, काफी कुछ हो रहा है, बहस जो काफी अच्छे तरीके चल रही है। फिलहाल आप सभी इंतजार करिए, परेशान मत होइए क्या होने वाला है। एक और बात मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि छात्र जो पूछे हैं कि क्या हमारा मामला एडिशनल के अंदर रहेगा, देखो एडिशनल के अंदर है तो एडिशनल में ही रहेगा, इस बात को लेकर कोई समस्या नहीं है। हाँ ये हो सकता है दोस्तों कि कल की सुनवाई के बाद जिस चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जो अगली डेट लगेगी दोस्तों उसके बाद ही एडिशनल में होगा। अब मंडे को ही दोस्तों अगली डेट लगनी चाहिए ऐसी उम्मीद है, अगर डेट दोस्तों मंडे को लगती है तो इतनी भी उम्मीद है कि उसी हफ्ते सैटरडे तक कोर्ट खुलेगा, मतलब 19 तारीख तक हमारे पास इतने दिन है कि उस दिन में दोस्तों ऑर्डर जो आसानी से रिजर्व हो जाएगा। बीच में जो छुट्टियों का समय पड़ रहा है दोस्तों उस बात को लेकर परेशान मत होइए, इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, बस उम्मीद करिए जल्दी से जल्दी कल जो सुनवाई होने वाली है इसमें दोस्तों एक साइड का जो सबमिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद शिक्षा मित्रों की बारी रह जाएगी, जो दोस्तों उनके 4 वकील सबमिशन कंप्लीट करेंगे, तो उसके तुरंत बाद दोस्तों अगर कुछ रहता है तो ठीक, नहीं तो उसके बाद जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर दिया जाएगा। आज देर शाम तक ही दोस्तों जो है उसकी कॉज लिस्ट भी जारी हो जाएगी, जैसी भी जो भी अपडेट होगी आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से। क्योंकि अब 1 अक्टूबर को जो बहस होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत सारे ऑर्डर, बहुत सारे दोस्तों जो तथ्यों को लगाकर बहस की जाएगी और अब निर्णायक मोड पर बहस जाती हुई, क्योंकि जब एक पक्ष की बहस पूरी हो जाती है और जब दूसरे पक्ष की बहस आती है दोस्तों फिर उसके बाद सारी की सारी चीज़ें क्लियर होती नजर आती हैं कि अब किस तरह जो बहस है वो जाने वाली है और किस तरीके से दोस्तों जो कोर्ट का डिसीजन वो भी स्पष्ट होना जो है नज़र आ जाता। तो इस बात को लेकर आप बिल्कुल ही परेशान ना हो दोस्तों, जल्दी कल जो सुनवाई होने वाली काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। आप सभी को मैंने पहले भी कहा है कि अब दोस्तों जो सिर्फ और सिर्फ BEd BTC की तरफ से माथुर साहब और अनिल तिवारी जी बहस करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आखिरी बहस देखने के लिए मिल सकती है, उसके बाद शिक्षा मित्रों की बहस होगी। एक बात और मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, काफ़ी लोग किसी चैनल का नाम लेके कमेंट करते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि सर उसने ये कहा उसने ये कहा, देखो पहली चीज़ तो यह कि अगर आपको लगता है कि भाई वो चैनल इसके अगेंस्ट बोल रहा है, वो चैनल ये बोल रहा है,
है तो आप इन चीज़ों को फोकस मत करिए। जब तक कोर्ट के अंदर मामला है, मैं आप सभी को खुद कहता हूँ, आप सभी जब मुझसे पूछते हैं कि सर कट ऑफ क्या आ सकता है, मेरा एक ही आंसर रहता है, जब तक कोर्ट के अंदर तब तक दोस्तों कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक बार जब कोर्ट फाइनल कर देगा तभी सारी चीज़ों पर हम बिलीव कर सकते हैं। अदरवाइज जो यूट्यूब पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर कोई अगर आपको कहता है कि भाई ये डिसीजन आएगा, तो आप सभी पहले भी ये चीज़ें देख सकते हैं, 40-45 को लेकर काफ़ी लोगों ने बोला आया, नहीं आया, 55-60 को लेकर बोला नहीं आया, कोई कहता है बीएड बाहर हो जाएगा, पहली सुनवाई में बीएड बाहर हो जाएगा, अभी सुनवाई हो चुकी हैं, तो इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो। अभी दोस्तों सुनवाईयां चल रही हैं और जैसी सुनवाईयां ख़त्म होगी आप सभी के सामने सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, अगर आपको लगता है कि दोस्तों इस तरीके की चीज़ें अगर आपको परेशान कर रही हैं तो आप उन तरीके की उन यूट्यूब चैनलों या फिर उन फेसबुक ग्रुपों या फिर मैं कहूँगा ऐसी चीज़ों से दूरी बना करके रखिए जिससे कि आप सभी को कोई परेशानी होती है। फिलहाल बात करता हूँ दोस्तों खुशखबरी की, तरफ प्राथमिक से एनजीओ को बाहर किया गया है, जिसको लेकर दोस्तों काफ़ी लोग खुश भी होंगे, काफ़ी लोगों को अच्छी खुशी देखने के लिए भी मिली होगी, क्योंकि एनजीओ के आ जाने से छात्र इसलिए भी सबसे ज़्यादा परेशान थे, उनको लग रहा था कि अगर एनजीओ आ जाएगा तो आगामी जो शिक्षक भर्तियाँ अगर प्राथमिक में होंगी वो देखने के लिए नहीं मिलने वाली, ऐसी दोस्तों जो है संभावना आप सभी को लग रही थी। लेकिन फिलहाल दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप सभी के सामने नोटिफिकेशन है, कल देर रात को दोस्तों इसको जारी किया गया, हालांकि डेट जो 28/9/2019 की है और इसको लागू दोस्तों 29/8/2019 को किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी के सामने लिखा हुआ है 16/9/2019 मतलब 16 सितंबर 2019 को जो आदेश दिया गया था एनजीओ से पढ़वाने के लिए 2 से 2, 4, 5 के बच्चों को, वो दोस्तों निरस्त कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने, और निरस्त होना भी था क्योंकि दोस्तों इसके अंदर कोई स्थायी नहीं। आप सभी को मैंने कई बार इस बात को लेकर बोला कि भाई एक तो बीएड बीटीसी करके बैठे हुए हैं, ग्रेजुएशन के बाद में टीटी पास हैं, उनसे पढ़वाने की बजाय कभी हम गार्गी को उठा करके ले आते हैं, कभी हम एनजीओ को लेकर के आते हैं, मतलब इम्प्रोवाइजेशन क्यों करना क्यों है इसमें, करने की जरूरत वहाँ पर होती है जब हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं है। अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा के अंदर टीटी नहीं है तो हम एनजीओ के साथ दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि भाई हमारे पास जो है बीएड बीटीसी वाले इतने छात्र नहीं हैं तो हम एनजीओ को लेकर आ सकते हैं, उससे पहले हमें एनजीओ लेकर के आना। हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज दोस्तों इसका जो है विरोध किया गया था, उसका फल आप सभी के सामने है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में एनजीओ प्रथम संस्था से पढ़वाने का आदेश रविवार को वापस ले लिया गया है। 16 सितंबर को नगर क्षेत्र बहादुरपुर ब्लॉक में 14-14 कुल 28 स्कूलों में एनजीओ से पढ़वाने का आदेश बीएसए संजय कुमार कुशवाहा ने जारी, 2 घंटे कक्षा 4 के साथ और 2 घंटे कक्षा 5 के साथ भाषा और गणित को कक्षाओं को संचित करने की अनुमति दी गई थी। इस आदेश को सरकारी स्कूलों के निजीकरण की दिशा में उठाते हुए दोस्तों शिक्षकों ने इस बात का विरोध भी कर रहे थे और साथ में लगातार इसका विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला था। इस बीच रविवार को बीएसए ने प्रथम संस्था से स्कूलों से पढ़वाने का आदेश को निरस्त कर दिया है, तो पूरे तरीके से दोस्तों एनजीओ को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। और ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि दोस्तों एनजीओ कहीं किसी भी तरीके से इसमें एलिजिबल नहीं है प्राथमिक में, क्योंकि अगर हम बात करते हैं एनसीटी के अकॉर्डिंग में दोस्तों वहां पर टीटी पास होना चाहिए। अब टीटी पास तो कोई था नहीं, इनको सिर्फ मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन रखी जाती है इनकी रखी जाती है दोस्तों ग्रेजुएशन। इस वजह से दोस्तों एनजीओ को कहीं ना कहीं ये सक्सेस नहीं था, तो इसको पूरे तरीके से प्राथमिक से बाहर कर दिया गया, तो काफ़ी अच्छी खबर है दोस्तों। लगातार इसने शिक्षकों को लेकर इसके खिलाफ मतलब कि मोर्चा खोला हुआ था दोस्तों, हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज इस पर बात की जा रही थी और अंततः दोस्तों कहीं ना कहीं जीत मिली है, एनजीओ को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। और अब बात कर लेते दोस्तों एडेड माध्यमिक स्कूलों में सभी खाली पदों को नहीं भरेगी सरकार। इस बात को लेकर दोस्तों कल भी मैंने आप सभी को अपडेट दी थी, आज भी दोस्तों आप सभी के लिए कुछ अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर सरकार को ऐसा लगा है कि छात्रों की संख्या कम है और जो शिक्षकों की संख्या है वो ज़्यादा है। अब इसमें अगर वो ये कर देंगे तो उनको ये नुकसान हो जाएगा कि भाई बाद में इनको डर है कि कहीं जो शिक्षक फालतू बेले मतलब फ्री ना बैठे रहें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इन्होंने एक टास्क फोर्स बनाने का जो है निर्णय लिया है, जिसके तहत ये तय करेंगे कि जो छात्रों की संख्या है जो कागज़ों पर दी गई है क्या वो सत्य है या नहीं है। अगर वो सत्य निकलती है तभी दोस्तों इतने पदों पर भर्ती हो पाएगी, अदरवाइज जो भर्ती है वो नहीं हो पाएगी। अब भर्तियों की जो संख्या अगर बात करूँ तो पदों की संख्या उसमें 40,000 के आसपास रखी गई है। इसी बात को लेकर सरकार थोड़ी सी परेशान नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों उनको काफ़ी ज़्यादा खजाना जो है खाली करना पड़ सकता है 40,000 के चक्कर में। इसी वजह से पहले से दोस्तों जो है सतर्क हो चुके हैं। एडेड माध्यमिक विद्यालय में सभी खाली पदों को सरकार भर्ती नहीं करेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी डीएम को लिखे पत्र में कहा कि शासन के संज्ञान में आया है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या घट रही है और ऐसे में अगर पूर्व में स्वीकृत पदों के आधार पर भर्तियां की जाएंगी तो अध्यापक बिना अध्यापन खाली बैठे रहेंगे, इससे सरकार के अनावश्यक आर्थिक बोझ भी पड़ेगा। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने भी दोस्तों इस बात को लेकर कहा कि डीएम को अपने यहाँ पर एक टास्क फोर्स गठित करके विद्यालयों की संख्या को अध्यापकों के कुल छात्रों के स्वीकृत पदों को कार्यरत शिक्षकों के बारे में जानकारी देने को कहा और यह टास्क फोर्स
10 से ज़्यादा विद्यालयों में न दिए जाएं, इस तरह से होने वाले जांच की रिपोर्ट के शासन ने तलब की है और टास्क फोर्स की रिपोर्ट की रीचेकिंग शिक्षा विभाग के अधिकारी करेंगे और शासन ने 5 अक्टूबर तक इसकी रिपोर्ट मांगी है। तो मतलब 5 अक्टूबर तक दोस्तों ये फाइनल हो जाएगा और उसके बाद 10 से 11 के आसपास दोस्तों बता दिया जाएगा स्वीकृत कितने पद हैं और कितने पदों पर आप सभी की जो आगामी भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। इसका दोस्तों नोटिफिकेशन जो है अक्टूबर के अंत में दोस्तों जारी हो सकता है, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। उससे पहले कई समय पहले से दोस्तों इस बात को लेकर कहा गया और ये जो भर्ती है वो दोस्तों लगभग आप सभी के 2021 तक संपन्न हो सकती है। इसका जो टाइम टेबल है दोस्तों पहले से ही कोर्ट में दे दिया गया जहाँ पे जो प्रस्तावित 2021 तक कहा गया। साथ में दोस्तों अगर बात करें डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया था कि इस भर्ती को 1-1.5 साल के अंदर ही जल्दी से जल्दी संपन्न कराया जाए। अब देखते हैं दोस्तों कितने पदों पर यहाँ से जो टास्क को चेकिंग करने के बाद बता दी गई जो भर्ती होने वाली है, जो 40,000 पद दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहे थे, अब उनमें से घट करके कितने पद रह जाएंगे। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।